हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल फास्ट वे यूट्यूब हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरफो डिवाइस को लेकर के। यानी कि दोस्तों, आप मोरफो डिवाइस यूज़ करते हैं तो कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने मोरफो डिवाइस को अपने सिस्टम के अंदर यानी कि पीसी या लैपटॉप के अंदर बहुत ही आसानी से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दो स्टेप ऐसे जिसकी मदद से आप अपनी मोरफो डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है मॉर्फो डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए अपने लैपटॉप के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको मॉर्फो डिवाइस के सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता होती है, यानी कि आपके पास सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं। सेटिंग वगैरह करने के बाद में आप जो है पूरी तरह से आप अपनी मॉर्फो डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से हर वीडियो की तरह मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र के गूगल में, यानी कि सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं इसके सॉफ्टवेयर, कैसे हम इसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने कर लिया अपना नेट कनेक्ट और मैं करता हूँ इसका गूगल ओपन। जैसे ही मैंने गूगल ओपन करा, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ RD सर्विस ऑनलाइन। जैसे मैं यहाँ पर RD सर्विस ऑनलाइन करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है फर्स्ट लिंक। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, ये इसकी होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ से आप अपने जो आपका जो RD सर्विस का सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप उसकी वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं और जो आपने रजिस्टर्ड करी है उसकी भी वैलिडिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की बात, यानी कि हमें करनी है फिलहाल मोरफो डिवाइस इंस्टॉल। बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मोरफो डिवाइस के सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप राइट हैंड टॉप पर आप देख सकते हैं, यानी कि डाउनलोड डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कर्सर को लाते हैं डाउनलोड पर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एंड्रॉयड और विंडोज, यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर मोरफो डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपली एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, और लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप विंडोज़ पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और दोस्तों ये फ़ाइल आपके जो माई कंप्यूटर के डाउनलोड में है वहाँ पर पहुँच जाएगी। और मैंने ये फ़ाइल पहले से ही कट करके अपने ड्राइव के अंदर डाल रखी है। आप यहाँ पर आ जाइएगा, जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड आती है, फाइल पर जाइएगा और यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, और यहाँ पर सिंपली आपको कर देना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही आपके सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको सिंपली सारे ये जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं इनको सिंपली मिनिमाइज कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इनको मिनिमाइज़ करते हैं, आपको सिंपली अपने माई कंप्यूटर के अंदर चले आना है। दोस्तों, ये सेटिंग जो है कोई से भी विंडो आप यूज़ करते हैं, यानी कि 7 या 8 या 10 कोई से भी आप विंडो यूज़ करनी है, सबके अंदर आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको अपने ड्राइव के अंदर चले जाना है, सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको मोरफो के तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि मोरफो मोरफो RD लॉग, मोरफो RD लॉग, और ये मिल जाता है मोरफो RD सर्विस L0 सॉफ्ट। तो आपको सिंपली सबसे बड़े वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन पर डबल क्लिक करते हैं, तो ये आपको बहुत सारी फाइल आपको सिंपली इनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करते हैं, सारे को एक साथ करके कंट्रोल ले करके आप इनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इनको सेलेक्ट करते हैं, आपको ये URL बार दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पर यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी करते हैं, तो ये जो एड्रेस है इसका कॉपी हो जाएगा। अब एड्रेस तो कॉपी हो गया, बट आपको सिंपली जो आपके लैपटॉप में अल्ट और कंट्रोल के बीच में यानी कि विंडो बटन होता है, आपको सिंपली वो प्रेस करना है। या फिर दोस्तों आप यहाँ पर चले आते हैं, ये इस तरह का एक विंडो बटन मिल जाता है आपको, विंडो 7 के अंदर जो है स्टार्ट बटन के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या फिर विंडो बटन दबाते हैं, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है वेरिएबल। जैसे ही आप वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल और ये एक ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। तो आपको सिंपली अकाउंट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट वाले पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है PATH। PATH जैसे ही आप टाइप करते हैं, फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं, तो ये आपका सेव हो जाएगा पथ के नाम से। पथ के नाम से जैसे ही आप ये सेव होता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप ये सेटिंग कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, यानी कि टाइम सेट। आपको टाइम पर जाना है, जहाँ पर आपको टाइम शो हो रहा है वहाँ पर आपको चले जाना है, और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम पर आपको चले जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने टाइम जोन देख लेना है, यानी कि कोलकाता मुंबई दिल्ली UTC 05+30, ये आपको टाइम जोन कर लेना है। टाइम जोन करने के बाद आपको सिंपली जाना है एडिशनल डेट टाइम एंड रीजनल सेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मिल जाता है आपको ऐड क्लॉक डिफरेंट टाइम जोन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाना है आपको इंटरनेट टाइम। इंटरनेट टाइम पर जाने के बाद आप चेंज सेटिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको अपडेट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर ये टाइम जो है आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आपका टाइम अपडेट होता है तो समझ लीजिएगा आपकी जो है मॉर्फो डिवाइस अपडेट यानी कि इंस्टॉल हो गई है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा वेट कर लीजिएगा, इसको अपडेट होने दीजिएगा। हाँ दोस्तों ये देख लीजिएगा, आपको एक एरर शो हो रहा है। अगर ये एरर आपको शो होता है तो दोस्तों आपको सिंपली फिर से अपडेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपडेट नाउ पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा, यानी कि द क्लॉक बाद सक्सेसफुली साइक्रोनाइज, यानी कि ये जो है इंटरनेट का टाइम है वो टाइम जोन से लिया गया है और ये अपडेट हो गया है। जैसे ये अपडेट हो जाता है तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना। दोस्तों आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर भी आपको ओके पर क्लिक कर देना, और इसको सबको सारा जो है काट देना है, आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप ये सब क्लोज कर देते हैं तो आपको जो है सिंपली अपनी जो है मॉर्फो डिवाइस को यहाँ पर प्लग इन करा लेना है, यानी कि दोस्तों ये सारी प्रोसेस जो करनी है आपको सारा मॉर्फो हटा करके यानी कि लैपटॉप में नहीं लगानी है जब आपको प्रोसेस करनी है। जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आप सिंपली मॉर्फो को इनपुट करा दीजिएगा। जैसे आप मॉर्फो लगाते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा। दोस्तों आपको वो मैसेज शो हो जाता है तो आपकी मॉर्फो डिवाइस 100% रजिस्टर्ड हो गई है। दोस्तों अदरवाइज वो मैसेज शो नहीं होता है तो दोस्तों आपकी मॉर्फो डिवाइस ये समझ लीजिएगा रजिस्टर्ड नहीं हुई है। अब दोस्तों सिंपली आपको किसी भी ब्राउज़र में आपको चले आना है। जाने के बाद जो है आप जहाँ पर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ट्राई कर लेना है। बट दोस्तों ये ट्राई नहीं होता है, फिर भी आपको काम वर्क नहीं करता, तो आपको ये स्टेप दोबारा से फॉलो कर लेने हैं। जब जैसे ही आप दोबारा से करते हैं दोस्तों ये ठीक से वर्क करने लगता है। अदरवाइज दोस्तों इसमें कुछ एरर्स आती हैं, यानी कि अनेबल टू डिटेक्ट एनी बायोमेट्रिक एसेट डिवाइस, यानी दोस्तों कोई भी एरर आती है तो आप विंडो के साथ विंडो बटन के साथ आर दबाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा services.msc। जैसे ही आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जो है आपको यहाँ पर MO प्रेस करना है। MO प्रेस करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मॉर्फो RD सर्विस, मॉर्फो स्मार्ट USB सर्विस। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो है डिवाइस को हटाना है। हटा देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली रिस्टार्ट कर देना है, और तो यहाँ पर भी आपको रिस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करते हैं फिर से आप अपनी डिवाइस को लगाइएगा और फिर से पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बट दोस्तों ये सर्विसेज जो है ये जो सेटिंग करनी है लास्ट वाली जो मैंने आपको बताई विंडो के साथ आर दबाने के बाद services.msc में जा करके रिस्टार्ट करना है। दोस्तों ये जब ही करना है जब आपको कोई एरर शो होता है आपके मॉर्फो डिवाइस में, यानी कि जब आप किसी का फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो आपको कुछ एरर शो होता है, तब आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अदरवाइज दोस्तों आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी ट्रिक जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। दोस्तों जिस चीज़ का हमें बेहद इंतजार था वो आप देख सकते हैं, ये एरर जो है जो मैं आपका पॉपअप का इंतजार कर रहा था वो पॉपअप आपको शो हो गया। तो दोस्तों ऐसा आपको पॉपअप शो हो जाता तो आपकी मॉर्फो डिवाइस 100% रजिस्टर्ड होगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरी भी डिवाइस पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गई है। दोस्तों ये थी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया। आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।